नमस्कार, मैं जनता की आवाज और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए। और आपके बता दें कि इस वक्त जो है बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो परिवार है वो सड़कों पर आ चुका है। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जो उनकी माँ है जो लापता हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पर परिवारजन मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ है पूरा मामला। जी सर, क्या हुआ था? आपकी जो मिसिस है वो कहाँ चली गई है? क्या नाम है उनका? मेरी शारदा है, जिसका नाम शारदा है। कहाँ चले गए वो? मेरे को नहीं पता जी, इन्होंने ही फरार कर रखी जी उसको। इंतजार है, इसके घर वाले हैं जी, मोसीना है और इस मोसीना घर वाले जी, इन्होंने ही फरार कर रखी जी। मेरी छोटी भाभी है जी, वो इसकी घर वाली। कहाँ चली गई है पता ही नहीं जी मारे को तो कुछ। कब से लापता है? 5-6 दिन हो गए जी, घर से फरार है। आपने पुलिस में कंप्लेंट कर रखी जी? दो कर रखी हमने, सिटी में भी कर रखी और ऊपर भी कर रखी, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी हमारे लिए। किसी पे कोई शक हो कि कहाँ चले गए हैं वो? बस जी, कोई बात ही नहीं मारी जी, कोई जी कुछ बात ही नहीं मारी, तो हमारा क्या पता जी, हमारी कोई बोल चाल नहीं है। रिश्तेदारी में आपने पता किया हो? कहीं रिश्तेदारी पता करा जी, वहाँ अनुग्रह यहाँ नहीं है। अपने मायके चली गई हो? पता करा, वहाँ पे है ही नहीं। वहाँ पे नहीं है तो किस पे शक है? मेरे को तो ही नहीं पे शक है जी, इन्होंने कहीं ना कहीं छुपा रखी उसको। इंतजार है, मोसीना है, इसके घर वाले और उसके घर वाले, इन्होंने इनका ही प्लान है जी। उनसे कोई रिलेशन था उनका? किनका? हाँ जी, रिलेशन था जी, आते जाते थे। हाँ जी, मैं नहीं, मैं वो आता था मेरे घर पे आता था। हाँ, काम करते थे जी, मान लो अपना कुछ भी, तो हमारा नाजायज फायदा था जी, हमारी ईमानदारी का। तो पुलिस में जब आपने कंप्लेन की तो वहाँ पे क्या कुछ पता लगा आपको? क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कहते हैं जी आएंगे, बस देखेंगे। हाँ करेंगे जी, करेंगे, कुछ नहीं कर रहे जी, कुछ नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं मारे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हमारे ऊपर। वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, आसिफ ने कैमरे लगवा रखे, पुलिस आती है उनको बाहर के बाहर ही रोक देते हैं और उल्टे भेज देते हैं, कहते हैं इंतजार यहाँ पे है नहीं और इंतजार इनके घर में ही है। जब एक बार हो चुकी है लड़ाई, बार बार क्यों इनके साथ गाली गलौज करते हैं, क्यों छेड़खानी नहीं करते हैं? एक तो ऊपर से इसका घर उजड़ गया, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, और फिर लड़ने ये बताओ कहाँ जाएगा? तो बेचारा सारे दिन काम पर रहते हैं, शरीफ लोग हैं बेचारे, इनको तो कुछ ऐसा भी नहीं पता, कोई लड़की छेड़नी या लुगाई छेड़नी, इनको तो कुछ पता भी नहीं है बेचारे। इतने साधारण लोग आई हैं, सुबह ही काम पर निकल जाते हैं, जितना पैसा लाते हैं सारा घरवालियों के हाथ में देते हैं, और घरवालियों ने जो उनसे यार पकड़ रखे हैं सब उन पर लुटा रही है, सब उन पर लुटा रही है। मोसीना ने तो गंद बिछा रखा है बिल्कुल ही, सरेआम यहाँ को हमारे बाहर रखे को जाती है जी, खुद की अपनी बहन भी भगा दी जी, बाल्मीकों के साथ में अपनी खुद की बहन भी भगा दी मोसीना ने, सब मारा उन्हीं पर लुटा दे जिन्होंने, हमारे घरों की हालत देख लो, खंडर बन गए हमारे घर। हम बिरादरी कहीं भी बोलने योग्य नहीं है, बताओ उसको बिरादरी का लड़का नहीं मिला था, उसने खुद अपने बहन का बाल्मीकों के लड़के से कोर्ट मैरिज करवा दिया और अब इसका घर उजाड़ दिया। हम गली में निकल नहीं सकते हैं आंख उठा के, और ये हमारे को हंस के जाते हैं जी, सारे के सारे कब तक चले डरा के जाते हैं, लड़ने के सिर रहते हैं। बताया जा रहा है कि जो चोट वोट भी लग पा रही है, किसने किसको मारी है? वो मारी है जी, मेरा साला है जी, और मेरी उसकी घरवाली है जी, और इंतजार है, और वो मोसीना के घरवाले, मेरी बहन भी लगती है। मैंने उसको 3 साल पहले समझाई बहुत, मैं कहा सुधर जा तू, बच्चे वीरान हो जाएंगे, नुका मैं नहीं सुधरती, मैं तो ऐसे ही करूंगी। ये चोट कैसे लगी सर, और हाथ में चोट कैसे लगी? उसी ने मारी, शारदा नहीं, और अपने जो बुला रखे थे उन्हें, जिनसे मिली हुई थी वो, और मेरे को भी धमकी दी, इंतजार ने तेरे को जान से मार दूंगा अगर तूने कुछ ज्यादा कोई हंगामा करा, तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे को देख लूंगा मैं। जब आपकी वाइफ घर से गई तो लास्ट टाइम कब मिले थे आप? मिले ही नहीं जी, उसके बाद में नहीं मिले हम। उससे पहले तो मिले होंगे ना, क्या कुछ कह के गई घर से, जैसे गई बच्चे घर पे थे? मेरे को ये बोल के गई, नु मैं जान लग रही तेरा एक एक सामान भी खुवा दूंगी घर का, एक एक चमची भी नहीं छोड़नी थे बिल्कुल। हाँ मैं घर पे था जी, मेरे बच्चे भी थे जी सब, ये देख लो जी, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाने से भी परेशान जी है, देख लो स्कूल में जाते थे मेरे बच्चे। कितने बच्चे आपके? मेरे 4 लड़कियां जी, ये खड़ी 4 लड़की है, देख लो इधर दिखा दो उनको, ये लड़का है जी मेरा छोटा, 5 बच्चे आप? हाँ जी 5 हैं जी। तो जब आपकी मम्मी जब गई थी तो आपसे भी बात करके गई थी? मुझे कुछ नहीं बता। अच्छा, तो इंतजार है जो वो आपके घर पे आता था जी? अच्छा, तो आपने अपने पापा से नहीं बताया? नहीं, वो अनु कह देते थे जान से मार देंगे अगर जो किसी को बताया। कौन बोलता था, मम्मी और वो इंतजार? हाँ जी। अच्छा, दोनों ये बोलते थे। हाँ। तो आपने पापा से नहीं बताई पहले? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है कि अगर अपने पिता से ये बात बताई तो कहीं ना कहीं जान से मार देंगे, कि बच्चों को भी इस तरह से टॉर्चर किया गया है। और यहाँ पर जो है परिवार मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।